मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी अपनी रफ्तार में काम करने में लगी। कांग्रेस फुल मूड में है कि अब की बार शिवराज सिंह की मुख्यमंत्री कुर्सी छीन लेनी है, इसके लिए मुद्दों को हवा दी जाने लगी। बीजेपी की डीएनए को लेकर बातें होने लगी। सत्ता की लालच में हर कोई किसी को पटकनी देने के लिए काम से लेकर जुबान तक लगाम लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा। एक दूसरे को किले को भेदने के लिए पर्दे के पीछे प्लानिंग चल रही, लेकिन विधानसभा चुनाव के अंत में क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। चुनाव के मद्देनजर राज्य में सियासत भी चरम पर है। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने राज्य की बीजेपी शासित शिवराज सरकार पर तीखा हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार की नीतियों से सूबे की जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी, अब जनता बदलाव चाहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को डीएनए क्या है, कांग्रेस की नीति है, संविधान है, नियत है। वो बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, उनके डीएनए में वोट है। ये बात हमें जनता तक पहुंचानी है। कांग्रेस नेता ने यह बात शुक्रवार को राजधानी भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान। मध्य प्रदेश की सियासत में अभी तो शुरुआत, आगे आगे देखोगे क्या क्या मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। एसपीएन नैनीजूम की रिपोर्ट।